हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार के सभी भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे पूज्य बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी अभी धाम पे ही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, एक दो दिन के बाद हमारे पूज्य बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी की आगामी कथा जो कि प्रारंभ होने वाली है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूँ, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो कि 3 दिवसीय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी के मुखारविंद से श्री हनुमत कथा का जो कि भव्य आयोजन होने वाला है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, 18, 19 और 20 जो कि मार्च को पूज्य बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी का श्रीमद हनुमत कथा जो कि मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और उसी के साथ ही साथ ही पूज्य बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी ने अभी अपने चैनल माध्यम से जो कि उद्घोषणा की अपने भक्तों के लिए कि पूज्य सरकार जी 21, 22, 23 और 24 मार्च को, यानी कि 4 दिन पूज्य सरकार जी धाम पे ही रहेंगे और धाम पे रह के दरबार भी लगाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है उनके सभी भक्तों के लिए। तो आप लोग जब पूज्य सरकार जी से अगर मिलना चाहते हैं तो आप लोग 21, 22 और 23 और 24 मार्च को धाम पे जाके पूज्य बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जी के दर्शन कर सकते हैं। और उसी के साथ ही इन 4 दिनों के बीच में पूज्य सरकार जी दरबार भी लगाएंगे। तो सभी भक्तों के लिए ये बहुत बड़ी सूचना थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जो कि भक्तों के साथ शेयर किया जा सके। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल रंजीत के ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को बस यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम सरकार।